ये बात तो हम सब लोग जानते ही है कि आज तक हिस्ट्री में अब तक अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा जीनियस कोई नहीं था। इतना जीनियस कि वो अकेला हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर सोच भी नहीं सकते थे, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के आगे आसान भी बना दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था। इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचने समझने की काबिलियत से लोग समझते थे कि इनके पास एक स्पेशल ब्रेन है, लेकिन असल में क्या राज है उनके दिमाग का और उनकी इतनी जीनियस थॉट का? क्या सच में उनका दिमाग कुछ अलग प्रकार का था या उनके दिमाग के अंदर कुछ बनावट ऐसी थी, और अगर ऐसा था तो क्या वो पैदाइशी था या फिर धीरे धीरे जीवन के साथ उनका दिमाग विकसित हो गया, और वो क्यों हो गया? आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में सारे रहस्यमय चीजों के बारे पता लगेगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे थे वो क्यों थे और उनका दिमाग इतना खतरनाक क्यों था और कैसे उन्होंने अकेले नहीं इतनी सारी रिसर्चेस और इतनी सारी थ्योरीज दे दी जिसने दुनिया का तख्ता ही पलट दिया। इस बात का अंदाजा आइंस्टाइन को भी था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इनकी बॉडी की किसी भी हिस्से पे रिसर्च किया जाए, बल्कि इन्होंने कहा था कि उनकी बॉडी को जला दिया जाए, मगर वो ही हुआ जिसका उन्हें डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब उनकी डेथ हुई तो ऑटोप्सी के लिए, मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का दिमाग चुरा लिया, क्योंकि उसको ये जिज्ञासा थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में क्या राज छुपे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया के सारे नियम कानून ही बदल डाले। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे थे, जिन्होंने अपने साथ होने वाले अनजान के बारे में नहीं सोचा बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी के बारे में सोचा और चुपके से दिमाग निकाल लिया। कुछ दिन जब हॉस्पिटल को ये मालूम पड़ा कि उन्होंने ये हरकत की है तो उन्हें उनकी नौकरी से भी निकाल दिया। लेकिन डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट के बेटे से परमिशन ले भी किसी भी तरीके से कि वो उनके बाप के स्पेशल ब्रेन के बारे में सारे राज ढूंढेंगे और उसके ऊपर रिसर्चेस करेंगे। फिर शुरू हुआ ब्रेन का एक बहुत लंबा सफर। डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो बस पोस्टमार्टम जानते थे। उनके ख्याल था कि वो रिसर्च कर पाएंगे, मगर अब जो जॉबलेस थे उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे तो वो रिसर्च कैसे करते? वो ब्रेन तो अप्रिजर्व था, वो उसे लेके पेनिसिल्वेनिया के एक शहर फिलाडेल्फिया ले गए और वहाँ उस ब्रेन की कई फोटोज ली और 240 छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग पीसीस को अलग अलग जगह जारों में, अलग अलग जार्स में प्रिजर्व कर दिया और उन्होंने अपनी बेसमेंट में उसे छुपा दिया। मगर इसके लिए अपनी बीवी से उनकी कई बार लड़ाई हुई। बीवी कहती थी कि वो इस ब्रेन को फेंक देंगी, मगर आखिर वो ऐसा कैसे होने देते? लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका डर था, उनका डिवोर्स हो गया। अब डॉक्टर हार्वे ब्रेन लेके विचिटा चले गए, फिर एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की जॉब करने लगे और यहाँ खाली टाइम में आइंस्टीन के ब्रेन के ऊपर स्टडी करते। कई बार उनको जॉब से निकाला गया, कई बार उन्होंने जॉब छोड़ी बदली, मगर वो इस जुनून को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई कि उन्हें आइंस्टाइन के दिमाग के साथ क्या करना है, और वो उस दिमाग को लिए लिए फिरते रहे दर बदर। कई साल बीत गए मगर अब तक कुछ खास हाथ नहीं लगा था उनके, मगर उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो गया और फिर उनको मजबूरन प्लास्टिक की फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी। तभी पहली बार उनको आइडिया आया कि उस दिमाग को अलग अलग हिस्से करके दुनिया भर के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, उनको भेज दिया जाए और फिर वो उस रिसर्च को पूरा करेंगे। 1955 के ब्रेन चोरी होने से 30 साल के बाद 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन के ऊपर एक स्टडी पब्लिश हुई। अगले 28 सालों तक कई रिसर्चेस पब्लिश होती रहीं। उनमें बताया गया कि ये एक आम आदमी के ब्रेन से काफी डिफरेंट है। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम नाम के हिस्से में था। इंसान के ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, सारे काम पहले एक हिस्से में प्रोसेस किए जाते हैं और फिर उस बॉडी पार्ट का सिग्नल भेजा जाता है जिस बॉडी पार्ट सिग्नल आए होते हैं। लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और 90% लोगों के लेफ्ट ब्रेन में बोलना, समझना, मैच करना, राइटिंग, लिखना,
ये सारे काम करने में हेल्प करता है। और राइट ब्रेन जो है वो लोग को क्रिएटिविटी, शेप को समझने, आर्ट और म्यूजिक जैसी चीजों में हेल्प करता है। मगर कॉर्पस कॉलोसम क्या काम करता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि कीबोर्ड पे आप कुछ टाइप कर रहे हैं और जब दोनों हाथों से आप काम कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड ने कोई मिस्टेक कर दी है, तो फौरन राइट हैंड जो होगा उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करेगा, यानी कि राइट ब्रेन से जो गलती हुई थी उसे लेफ्ट ब्रेन ने ठीक कर दिया है। दोनों हिस्से जिस चीज की मदद से जुड़े होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और आइंस्टाइन के दिमाग में कॉर्पस कैलोसम आम आदमी की तुलना में ज्यादा बड़ा था। दोस्तों, उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन के आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे, जिसकी वजह से वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सोच और समझ सकते थे और उनके सोल्यूशन ढूंढ सकते थे। एक और चीज थी, वो था ब्रेन का पैटर्न, वो भी काफी अलग था, जिससे न्यूरॉन्स का फ्लो बाकी लोगों से बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो की वजह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर उनमें स्ट्रॉन्ग थी। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को वो बिगर पेन पेपर के सॉल्व कर लेते थे और न्यूरॉन्स के ज्यादा होने की वजह से वो आइंस्टीन अपने दिमाग के अंदर ही वो सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते। लेकिन एक और चीज आपको बताते हैं कि जब उनके दिमाग को वजन किया गया तब वो 1230 ग्राम का था, जबकि एक आम आदमी का ब्रेन जो है वो 1400 ग्राम का होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक इनकी ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी, जिससे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर। सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये इस दिमाग के साथ पैदा हुए थे या फिर उनके पैदा होने के बाद ये विकसित हुआ था। जांच से पता चला कि वो जब पैदा हुए थे तो वो 5 सालों तक बोल ही नहीं पाते थे, जबकि बाकी बच्चे 2 या 3 साल की उम्र तक बोलने लग जाते हैं। बोलना जब उन्होंने शुरू ही कर दिया तब आइंस्टाइन ज्यादा बोलते ही नहीं थे, उनको चुप रहना पसंद था, बस वो सोच में खोए रहते थे और कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। उनकी मेमोराइज करने की यानी याद करने की क्षमता भी बाकी बच्चों से कम थी, वो चीजें याद नहीं कर पाते, यहाँ तक कि बचपन में मैथ्स के टेबल्स पहाड़े भी याद नहीं कर पाते थे। लेकिन वो लॉजिकल तरीके से कैलकुलेट करने में मास्टर थे, लेकिन रट्टा नहीं लगा पाते थे। लाइफ में हर सब्जेक्ट में वो फेल होते रहे सिवाय मैथ्स और साइंस के। जब आइंस्टाइन 12 के हुए तो एक फैमिली टीचर ने अपनी ज्योमेट्री की बुक इनके घर पे भूल गए, तब उन्होंने उस बुक को एक दिन में ही सारी ज्योमेट्री समझ ली और अपने दिमाग में उसको बैठा लिए सारे फॉर्मूले। सिर्फ 14 साल में डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस जैसी मुश्किल मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करने में मास्टर बन गए। जब वो क्लास में कुछ पूछते तो टीचर घबरा जाते कि अभी क्या सवाल पूछ देगा, क्योंकि टीचरों के भी सर के ऊपर से जाते थे जो वो पूछते थे। और छोटी सी उम्र में ही वो पूरी यूनिवर्स को एक छोटी इक्वेशन में सीमित करना चाहते थे, ताकि एक ही इक्वेशन से पूरी यूनिवर्स के बारे में पता लग जाए, और यही इनका मकसद बन गया। 26 की उम्र में आते आते उन्होंने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर दिए, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसकी वजह से उन्हें PhD की डिग्री मिली और ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसका अंदाजा इससे पता लगता है कि इन थीसिस के बिना साइंस अब अधूरी सी है। कई साइंटिस्ट ने यह फैसला किया कि उनके पैदा होने के बाद ही उनका दिमाग स्पेशल बना, विकसित हुआ। जब उन्हें सवाल के जवाब नहीं मिल गए थे तो वो खुद ही दिमाग में सोचते रहते, अपने दिमाग में ही उन जवाबों को ढूंढते रहते। शायद इसी वजह से उनका दिमाग डेवलप होता गया समय के साथ। आज भी उनका स्पेशल दिमाग द मटन म्यूजियम में संभाल के रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये सारे सीक्रेट्स मालूम पड़े। धन्यवाद दोस्तों।